पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस के संकट से घिरी हुई है। जिस प्रकार से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है, ऐसे में लोगों का जीवन संकट में पड़ गया है। ऐसा लग रहा है कि शायद मानवता बचेगी ही नहीं, मगर तमाम देशों की सरकारें अपने नागरिकों को बचाने का काम कर रही हैं। वो अपने नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा चिकित्सीय सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा और तमाम तरह की सुविधाएं देने का काम कर रही हैं। दिशा निर्देश दे रही हैं कि जिससे अपने देश के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके, मगर ऐसे समय में भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। अभी हाल में पाकिस्तान के बहावलपुर में हिंदुओं की बस्तियों पर बुलडोजर चला दिया गया। इस चिलचिलाती गर्मी में, धूप में उन्हें घरों से बाहर कर दिया गया, बेघर कर दिया गया। ये काम किसी और ने नहीं किया बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार में मंत्री बशीर ने ये काम किया। वो बुलडोजर लेकर पहुंचते हैं, पुलिस और प्रशासन के लोग उनके साथ होते हैं और वो हिंदुओं की बस्ती पर तुरंत बुलडोजर चलाने का आदेश दे देते हैं। जब हिंदुओं का आशियाना उजड़ता है, उनके आवास उजड़ते हैं, उनके मकान उजड़ते हैं कड़ी धूप में, तो वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के पैर पकड़ लेते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं कि ऐसी गर्मी में वो कहाँ जाएंगे, ऐसी चिलचिलाती धूप में वो कहाँ जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे, उन्हें मौत के करीब पहुँचने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हालात जिस तरह से गर्मी के हैं और कोरोना वायरस का जैसा संकट है, ऐसे में तो उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। मगर वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था, घंटों चीख पुकार मची हुई थी, मगर उनकी ना तो कोई मदद कर रहा था, ना तो कोई सहयोग कर रहा था, बस सिर्फ और सिर्फ उनके मकानों पर, उनके आशियाने पर बुलडोजर चलता हुआ, आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा था। और कुछ ही देर में हिंदुओं के मकान को नष्ट नाबूद कर दिया गया, उसको समतल कर दिया गया। जब ये फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, सोशल मीडिया पर आने लगी, तब वहाँ पर पता चला कि हिंदुओं पर कितना अत्याचार किया जा रहा है। कड़ी धूप में 40 से अधिक तापमान जहाँ पर है, वहाँ उन्हें घर से बाहर कर दिया गया, सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया गया। अब वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे रहेंगे? पूरी दुनिया में जब कोरोना वायरस फैला हुआ है, लोगों को बचने और बचाव का रास्ता सिर्फ यही बताया जा रहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें, तभी आप बच सकते हैं, तभी आपका जीवन सुरक्षित रह सकता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि लोगों को घर से बाहर कर दिया जा रहा है, सड़कों पे कर दिया जा रहा है, तो वो कैसे बचेंगे? पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार का ये पहला मामला नहीं है, लगातार हर बार हिंदुओं पर अत्याचार वहाँ पर होते चले आए हैं। मगर जहाँ पर पूरी दुनिया संकट में है, कोरोना वायरस से घिरी हुई है, लोग डरे और सहमे हुए हैं, ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि लोगों को बचाया जाए, लोगों के साथ मानवीयता के गुण दिखाए जाएं, लोगों के साथ मानवता का बर्ताव किया जाए। मगर पाकिस्तान ऐसे समय पे क्रूरता, जितनी भी क्रूरता हो सकती है उतनी भी क्रूरता करने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल में एक और मामला सामने आया, लॉकडाउन के समय में जब पाकिस्तान में हिंदुओं को खाद्य सामग्री की जरूरत पड़ी तो घरों से बाहर आए, तो वहाँ के तमाम लोगों ने उनके साथ मारपीट की, उन्हें घरों से निकलने नहीं दिया। पुलिस प्रशासन ने भी हिंदुओं को डराया और धमकाया और घरों में जाने के निर्देश दे दिए। कुछ दिन बाद हिंदुओं को जब पता चला कि एक जगह पर राशन डीलर राशन बांट रहा है, वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें घंटों लाइन में लगाया गया, लंबी लाइन में, लंबी कतार में वो खड़े रहे और बाद में उन पर लाठीचार्ज कर दी जाती है, उन्हें मारपीट किया जाता है उनके साथ और उन्हें भगा दिया जाता है। हिंदुओं पर लगातार इस तरह के अत्याचार पाकिस्तान में हो रहे हैं, मगर पाकिस्तान की सरकार स्वयं चूंकि इसमें सम्मिलित है, इसलिए वहां पर उनका ना तो कोई सहयोग करने वाला है, ना ही कोई मदद करने वाला है। द न्यूज नॉन स्टॉप इस तरह की खबरें लगातार आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आप सभी के महत्वपूर्ण सुझाव की जरूरत है कि अगर इस वीडियो पर आपके कोई सुझाव हो तो जरूर